देखिए स्ट्रेस, और स्ट्रेस में मैंने क्या बता दिया था आपको, स्ट्रेस में मैंने आपको बता दिया था कि इसे जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन होती है रेस्ट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा कब, जब आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तब ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो डिफाइन तो करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इस पे एक बढ़िया सवाल बनता है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्योंकि डेफिनेशन लिखा दी थी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इट इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको मेजर कैसे करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये बात कल मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। डिफाइंड एज, शॉर्ट में बता रहा हूं, कल मैं लिखा चुका हूं, डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफाइन तो ऐसे करते हैं, लेकिन मेजर कैसे करते हैं, एंड मेजर्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड या अचीव, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है, यानी कि जब दोनों फोर्स क्या हो जाए, बराबर, डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाए, बराबर। यहां समझने की बात यह है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आपने नहीं लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा। यहां पे एक बात और बताते चलूं, क्वेश्चन आएगा हीट में क्वेश्चन आएगा, एचसी वर्मा में भी दिया है, और आगे मैं हीट जब पढ़ाऊंगा आपको तो हीट की शीट जो मिलेगी उसमें एक सवाल है, सुन लो अभी के लिए। और इसको मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक स्मूथ सरफेस पर एक रॉड रखी है और उसको हमने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म, और आप जानते हैं गर्म करने से क्या होगा, एक्सपेंड करेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ में चेंज आया तो क्या वहां स्ट्रेन आएगा, क्या वहां स्ट्रेस आएगा, नहीं, क्योंकि आपने उसको डिफॉर्म करने के लिए, खींचने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया। ये बात सच है कि अगर आप किसी बॉडी को खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन यहां जो लेंथ बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है, लेंथ कैसे बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा के, हीट करके, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो उसके अंदर फोर्स डेवलप हुए, वाइब्रेशंस बढ़ गए। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा टाइम से आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको जो बता रहा था कि जब किसी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और मैं आगे हीट में पढ़ाऊंगा आपको ये वाला फॉर्मूला, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बॉडी जब गर्म होगी तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, डेल्टा एल एंड एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल का मल्टीप्लाई कर लिया एल नॉट का तो ये आ गया डेल्टा एल, ठीक है, और डेल्टा एल एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर। बट आपको लग रहा है क्या ये स्ट्रेन है, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन। आप क्योंकि सब टारगेट के स्टूडेंट है तो आपने ये पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ये नहीं है, ध्यान रखना ये स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन आएगा जब स्ट्रेस लगाओगे, और स्ट्रेस कब आएगा, जब कोई रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कब आएगा, जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स है ही नहीं, आप जब सब्सटेंस को गर्म कर रहे हो, रॉड को गर्म कर रहे हो, तो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स है ही नहीं, लंबाई कोई बढ़ा ही नहीं रहा खींच के, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे, जीरो, ये बात ध्यान रखना। इसको बच्चा क्या करता है, नॉर्मली ये सोचता है कि स्ट्रेन निकाल लेता है और इसको कह देता है ये स्ट्रेन है, नहीं, गलत। ये सवाल आपको शीट में मिलेगा, हीट वाली शीट में मैंने रखा है, और एचसी वर्मा में भी आपको एक्सरसाइज में लास्ट में तीसरा चौथा सवाल होगा, मेरे ख्याल से तीसरा चौथा सवाल होगा जिसमें आप ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें स्ट्रेन पूछ रखा है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको जानना, क्योंकि मैं जोर देके बता रहा हूँ कि स्ट्रेस
रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। ऐसा नहीं सिंपल के फोर्स अपॉन एरिया कर दिया और हो गया। यहाँ पे फोर्स कौन सा ये जानना जरूरी है, तो रीस्टोरिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू डिफॉर्मिंग के बराबर होगी कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत जरूरी था जानना। तो स्ट्रेस ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ गई हीट करने से और स्ट्रेस आ गया, नहीं। ठीक है, अब जैसे आप इसी में एक सवाल आगे देखोगे इसी में, कि जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, रॉड को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब किसी रॉड को गर्म कर रहे हैं और रॉड दो दीवारों के बीच में है, तो रॉड एक्सपेंड करना चाहेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रॉड एक्सपेंड करना चाहेगी लेकिन दीवारों के बीच में, तो दीवारें फोर्स लगा के उसे एक्सपेंड नहीं होने देंगी, तो क्या इसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा? यस आएगा, क्योंकि अब रॉड एक्सपेंड करना चाह रही थी और रॉड को एक्सपेंड नहीं होने दिया, किसने, दीवारों ने, कैसे, फोर्स लगा के उसकी लंबाई को कम कर दिया, एक्सपेंड कर दी लेकिन फोर्स लगा के कम कर दिया, तो क्या यहां स्ट्रेस आया? यस। अब आपने कहा सर अभी तो आप मना कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसमें स्ट्रेस तब आएगा जब कोई फोर्स हो डिफॉर्मिंग, तो रॉड जब एक्सपेंड करी तो दीवारों ने उसको रोक दिया, एक्सपेंड नहीं होने दिया, यानी दीवारों ने फोर्स लगा के उसकी लंबाई, बढ़ती हुई लंबाई को कम कर दिया, इसलिए स्ट्रेस आएगा, इसलिए स्ट्रेन भी आएगा, और वहां स्ट्रेन जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसा होगा, लेकिन कब, जब दो दीवारों के बीच में रॉड को रखा, लेकिन अगर एक स्मूथ सरफेस पर हमने रॉड को गर्म करने के लिए छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस पर कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो फ्रीली एक्सपेंड करेगी, तो वहां ना तो स्ट्रेन होगा ना ही कोई स्ट्रेस होगा, क्योंकि बाहर से रोकने वाला नहीं है, डिफॉर्म करने वाला नहीं है, दोनों बातों में बहुत अंतर है, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें आगे हम वो सवाल भी देखेंगे हीट में जहां हम थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस है अभी तो, लेकिन थर्मल स्ट्रेस इज ड्यू टू द हीट, और हीट जब आएगा तो बॉडी एक्सपेंड करेगी और उसे रोक रहे हम एक्सपेंड होने से दो दीवारों के बीच में, तो वहां पे हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे, आगे हीट में सवाल आएंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग सवाल हो गए। और एक चीज, जब मैं बात कर रहा हूं कि रॉड स्मूथ सरफेस पे एक्सपेंड कर रही है यानी रोकने वाला कोई नहीं है, यानी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या इसमें अगर मान लीजिए सरफेस रफ होता तो क्या आता थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन? यस आता, क्योंकि आप सोचो जब बॉडी एक्सपेंड कर रही होगी तो उसके पार्ट जो कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे कॉन्टेक्ट हो रहा होगा, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस पर ये पार्ट क्या हो रहे होंगे, फिसल रहे होंगे, एक्सपेंड कर रहे होंगे, फिसल रहे होंगे, और फ्रिक्शन क्या करता है, स्लिपिंग का अपोज करता है, फिसलने का अपोज करता है, तो उस रॉड को फ्रीली एक्सपेंड नहीं होने देगा, कौन, फ्रिक्शन, लेकिन स्मूथ सरफेस पर कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए स्मूथ सरफेस पर कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन अगर वहां रफ सरफेस होता तो कुछ हद तक आता, पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा फ्रिक्शन, लेकिन रोकने की कोशिश तो करेगा ना, जब बॉडी एक्सपेंड करेगी तो उस बॉडी का हर एक पार्ट चल के जाना चाहेगा दूर, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, और फ्रिक्शन स्लिपिंग का ही अपोज करता है। आई होप कि मेरी बात समझ में आई हो आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसमें अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी लेने का रीजन मेरा एक तो ये था, वैसे तो मैंने बताया कि इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर, फ्लूइड में क्वेश्चन कम आते हैं, और इसलिए मैंने ऑनलाइन में ये टॉपिक पिक कर लिया है, ऑफलाइन में तो चल ही रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बड़े बड़े हैं, इस इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, फॉर प्रोबेबिलिटी, वैसे फ्लूइड से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी इलास्टिसिटी से पूछे जाने की सबसे ज्यादा रहती है फ्लूइड में, फिर दूसरे नंबर पर सरफेस टेंशन। दूसरा, ये इलास्टिसिटी मैं अब जब पढ़ा दूंगा तो आगे हीट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं ऑफलाइन क्लास में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा इसके बाद, और मॉडर्न के बाद फिर हम हीट पढ़ेंगे, तो हीट में इस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, वैसे आपको आता भी होगा पहले से, राइट? अब देखिए, स्ट्रेस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स, पहला है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, पहले नाम समझ लो, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होगा, और टेंजेंशियल का मतलब है कि फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा होगा।
ये नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का अंतर समझ में आया? पहले बेसिक समझो, सिंपल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एरिया फोर्स लगेगा, और इस वाले में पैरेलल टू द एरिया फोर्स लगेगा। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसके दो टाइप फर्दर होते हैं नॉर्मल के, ठीक है? दो टाइप और हैं, तो ऐसे करके एक, दो और तीन, तीन टाइप हो जाते हैं स्ट्रेस के, तीन टाइप। और तीन तरह के स्ट्रेस आने की वजह से, लगाने की वजह से, तीन ही तरह के चेंज देखने को मिलेंगे। तो फ्रैक्शनल चेंज जो होता है उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो तीन तरह के स्ट्रेस और तीन ही तरह के स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसीलिए तीन ही तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें पहला नाम यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा नाम बल्क मॉड्यूलस और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको आगे। फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द एरिया। अभी इतना ही समझो, ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही समझते हैं। फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया के कैसे काम करता है परपेंडिकुलर, एक बार। और इसके फर्दर दो टाइप्स है, ठीक है? इसी तरह से यहां पे वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसमें टेंजेंशियल में फोर्स एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एरिया, ठीक है? फोर्स एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एरिया, आप इसे नोट करिए, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? ठीक, अब देखिए मैंने बताया इसके फर्दर दो टाइप्स है। आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कुछ छूटे ना इससे। आगे लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्दर दो टाइप का है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, पहला टाइप। और दूसरा जो टाइप है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये इसमें टाइप हो गए नॉर्मल के दो, और एक टेंजेंशियल मिला के टोटल तीन टाइप हो गए स्ट्रेस के, और तीन ही टाइप के आगे हम स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं, राइट? तो ये आप नोट कर लें और एक एक करके समझते हैं। पहले इसी को समझते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? ये एक तो पहली मेनली सॉलिड्स में ऑब्जर्व होती है, मेनली किसमें? सॉलिड्स में, जैसे कोई तार वगैरह है। तो नाम में लॉन्गिट्यूडनल है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ डोमिनेटिंग हो, जैसे तार है जिसमें लेंथ ही लेंथ होती है, थिकनेस नेग्लिजिबल होती है लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मेनली किसमें ऑब्जर्व होती है? सॉलिड्स में, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तीनों तरह के, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में हो सकती है, सब में हो सकती है, ठीक है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में इट इज
mainly observed in solids. ठीक है, mainly observed in solids and mainly applicable for wires, rods, etc. यानी वायर या रॉड वगैरह में मेनली ये लगता है. इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स एंड मेनली एप्लीकेबल फॉर वायर्स, रॉड्स एटसेट्रा. ठीक है, नोट करते रहिए. अब देखिए, ये कोई वायर है जैसे, और इस वायर को हमने लटका रखा है, और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी. जब मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, फोर्स एफ मैंने लगाया, और ये फोर्स मैंने कैलकुलेट जो लगाया है वो इस एरिया पे, ये एरिया है, दिस इज एरिया, ये ओरिजिनल वाला एरिया है. जब आप इसे खींचेंगे तो एरिया थोड़ा कम हो गया, लेंथ पहले से थोड़ा बढ़ गई. ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा ना कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या समझाया था मैंने, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब समझाया था आपको कि नॉर्मल में जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल में. और एरिया कौन सा वाला, इस रॉड के केस में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फोर्स ये लगाया हमने. इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ एल है वो लेंथ में डेल्टा एल का चेंज हो गया. कितने का? डेल्टा एल का चेंज हो गया. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम ये फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो मेनली सॉलिड्स में ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे सॉलिड में ही लेंथ मीनिंगफुल है. लिक्विड और गैसेस के लिए लेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां वॉल्यूम की बात करते हैं. तो दूसरा जो टाइप है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये लिक्विड गैसेस सॉलिड सब में चलेगा ये वाला, लेकिन ऊपर वाला केवल और केवल किसमें, सॉलिड्स में मेनली देखने को मिलेगा. सो फॉर्मूला ये आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और आप ध्यान से देखें तो इसका जो एरिया है ये वाला एरिया, इस एरिया के फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर. फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर. तो फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला आ गया. स्ट्रेस के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला वही जो प्रेशर का होता है, ML माइनस वन टी माइनस टू. ठीक है, सो ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप नोट कर लिए होंगे. दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, सेकंड वाला, और सेकंड वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में इट इज ऑब्जर्व्ड इन, सबसे पहले तो किस किस में होगा, वॉल्यूम की बात होती है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम सभी में, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में. इट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, होता तो सब में है, बट मेनली किस में, लिक्विड और गैसेस में. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वॉल्यूम वगैरह उसी में कंसीडर करेंगे, सॉलिड में तो लेंथ भी हो सकती है, इवन एरिया भी हो सकता है, तो बट मेनली फॉर लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, नोट कर लीजिए.
हो गया। अब देखिए इसमें तो वॉल्यूम से डील करते हैं, तो इसमें वॉल्यूम में भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा। तो जैसे मान के चलिए ये बैलून है और इस बैलून में हम बाहर से अगर फोर्स लगा दें या अंदर से प्रेशर बढ़ा दें, तो या तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, ये बैलून है, बाहर से फोर्स लगा के प्रेशर बढ़ा के इसके वॉल्यूम जो कि वी है उस वॉल्यूम को हमने कम कर दिया और वॉल्यूम हो गया वी माइनस डेल्टा वी। कैसे हुआ? फोर्स लगा के। तो अब आप इसमें नोटिस करें कि जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, इसके एरिया के, कौन सा वाला एरिया? सरफेस एरिया। कौन सा वाला एरिया? सरफेस एरिया, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये फोर्स है और सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फिर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। आप देखिएगा अभी इसी से हम स्ट्रेन को रिलेट भी करेंगे, स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस, सो दिस इज फोर्स और डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन कैसा? सरफेस एरिया, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ठीक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ये वाला इसमें, ठीक है। तो अभी फिर से हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, इट्स अगेन फोर्स अपॉन एरिया। बट ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे फोर्स एक तो परपेंडिकुलर लग रहा है और एरिया जो है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, ये नोट कर ले। ठीक है, ये हो गया। तो अभी यहां तक हमने देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप। एक हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल, जो मेनली सॉलिड्स में देखने को मिलेगा, तार वगैरह में, और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो मेनली लिक्विड या गैसेस में देखने को मिलेगा। फॉर्मूला दोनों का फोर्स अपॉन एरिया। तीसरा जो टाइप था, दो टाइप बताए थे मैंने, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, लेकिन नॉर्मल के हो गए दो जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा अब आ गया टेंजेंशियल वाला। ठीक है, तो तीसरा है, लेकिन वो मेन टाइप तो दो ही थी ना, इसलिए मैं यहाँ टू लिख रहा हूं। फर्स्ट वाले में दो हो गए, फर्स्ट वाले में एक लॉन्गिट्यूडनल और एक वॉल्यूमेट्रिक, अब टू वाला टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये मेनली हमें देखने को मिलेगा सॉलिड्स में। किसमें? सॉलिड्स में। उसका कारण जानते हो क्या है? सॉलिड ही टेंजेंशियल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, लिक्विड या गैसेस कभी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस मेनली किस में आता है? सॉलिड्स में। ठीक है, तो इट इज मेनली ऑब्जर्व इन सॉलिड्स बिकॉज, ये बात अहम है, ध्यान देना, बिकॉज liquid and gases cannot sustain, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। या मैं कहूंगा कि जैसे ही किसी लिक्विड या गैस में टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो उसके साथ ये बहना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं लिक्विड। परपेंडिकुलर तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते लिक्विड और गैसेस। तो कैनॉट सस्टेन टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आगे जब मैं फ्लूइड पढ़ाऊंगा, अभी ये फ्लूइड नहीं है, ये इलास्टिसिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट है। फ्लूइड अभी आएगा, फ्लूइड में हम पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब आता है आपका फ्लूइड में,
और अभी हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन, उसके बाद विस्कोसिटी आएगा, ठीक है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे आगे कि फ्लूइड क्या है, वो सब्सटेंस है जो टेंजेंशियल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्लूइड में कौन कौन आता है पता है, लिक्विड एंड गैसेज आते हैं फ्लूइड में, लिक्विड एंड गैसेज। फ्लूइड का मतलब है वो मैटर जो फ्लो करता हो, वो मैटर जो फ्लो करे, तो क्या फ्लो करेगा, लिक्विड एंड गैसेज। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो करे और टेंजेंशियल स्ट्रेस को बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि ये बहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है जरा फिगर से समझते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से पिछले वाले जो दो थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था। पीछे हमने जो पढ़ा, जैसे तार को खींच दिया तो लंबाई अगर बढ़ती है तो थिकनेस कम हो जाती है, डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है, शेप में चेंज नहीं आता था। पिछले वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस लगाया तो सिलेंडर था तो सिलेंडर ही रहा, सिलेंडर था सिलेंडर ही रहा, ठीक है, स्फीयर था स्फीयर ही रहा। लेकिन यहां पे क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस चेंजेस द शेप, चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि हमने पीछे जो नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा उसमें शेप चेंज नहीं हुआ, सिलेंडर रॉड सिलेंड्रिकल थी तो खींचा तो सिलेंड्रिकल ही रहेगी, बाकी लेंथ बदल गई, एरिया बदल गया। ऐसे बैलून था जिसमें हवा भरी थी या पानी भरा था, उसको पिचकाया तो स्फेरिकल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, शेप में चेंज आता है। किस तरह से, यहां फिगर से समझे, जैसे ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस वाले एरिया के पैरेलल मैंने फोर्स लगाया F, इस वाले एरिया के पैरेलल मैंने फोर्स लगाया, और जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने क्या देखा कि ये डिफॉर्म हो गया। किस तरह से डिफॉर्म होगा, ये वाला क्यूब, तो आप देखिए कि ये वाला जो साइड है ये यहां आ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो साइड है ये फेस ऊपर वाला एक्चुअली खिसक के आगे पहुंच गया, इस तरह से ऐसा हो गया, अगर आप विजुलाइज कर पाए हो तो इसको, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, यानी क्यूब था, क्यूबॉइड था, और ये ऐसे टिल्ट हो गया, पैरेललोपाइप। याद आ रहा होगा वेक्टर जब मैंने पढ़ाया था तो पैरेललोपाइप बताया था, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये जो फेस है इसका एरिया ए, फोर्स एफ, तो आप गौर करें कि ऊपर वाला जो फेस था इसके पैरेलल हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है, इसके पैरेलल हमने फोर्स लगाया है, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है, डिफॉर्म हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, चेंज इज द शेप, टेंजेंशियल स्ट्रेस जब भी लगेगा। तो यहां पे भी टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला अगर हम लिखें तो दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया ये है जिस सरफेस के पैरेलल लग रहा है फोर्स, वो सरफेस का एरिया हमको लेना है टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, राइट। आप नोट कर लीजिए, इस तरह से यहां पर तीन तरह के स्ट्रेस कंप्लीट होते हैं, इनकी वजह से तीन तरह के चेंज होंगे शेप में या साइज में, और वो फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज या रिलेटिव चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन। तो लेंथ में कितना फ्रैक्शनल या रिलेटिव चेंज हुआ, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में, वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग एक आएगा आगे टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन, आप इसे शियर स्ट्रेस भी कह सकते हो, कुछ जगह टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज आता है शेप में, डिफॉर्मेशन जो आता है फ्रैक्शनल, उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। ये तो स्ट्रेस लिखा है, स्ट्रेन कहेंगे, आगे पढ़ेंगे वो भी, ठीक है, आप इसको नोट करिए।
ठीक है। अब देखिए मैं एक छोटा सा अच्छा एक एग्जांपल कराता हूं आपको, इसी में अभी तक अब तक हमने जो पढ़ा है इसी पे एक एग्जांपल हम करते हैं। मैं अभी इस पे आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, असाइनमेंट अभी रेडी भी नहीं है, पुराने हैं तो मैं अपडेट करके जब आपको दूंगा। मीन वाइल अभी क्या है कि आपका जो वो वाला पार्ट चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर फोकस करें। इसकी प्रॉब्लम शीट में कुछ दिन बाद दे दूंगा जब फाइनली रेडी हो जाएंगी, पुरानी शीट्स है ये फाइनली रेडी हो जाएंगी, तब तक आप इस पर फोकस करना शुरू करें ईएमआई वगैरह पे, तो डबल डबल कर भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से क्लास में कराऊंगा, यहाँ ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी इस पे अपनी तरफ से मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब ये एक क्यूब है और इसमें नीचे ये मान लो 5 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये लंबाई 3 मीटर है सपोज, और यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है और ये फोर्स 100 न्यूटन का है, और यहाँ से इसका जो एंगल है ना ये 37 डिग्री है। कितना है? 37 डिग्री। तो आपको बताना है इसमें, अगर फिगर समझ में आया हो तो फोर्स 100 न्यूटन का है, 37 डिग्री का एंगल है, ये 5, ये 4 और ये 3, तो आपको बताना है फाइंड पहला सवाल नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा सवाल टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, आप करके बताइए, इजी क्वेश्चन है। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आंसर अपना। ये काफी आसान क्वेश्चन है, अगर यहां पे भी कोई चीज समझ में ना आ करे तो ऑफलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं इन चीजों को। बताइए, देखो ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, इसके मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 100 cos 37 4/5, तो ये इस डायरेक्शन में जो आएगा वो 80 न्यूटन और 100 sin 37 ये 60 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन और ये 60 न्यूटन, ये आ गया 80 न्यूटन और 60 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए यहां समझने की बात यह है कि ये फोर्स हमने लगाया वो इस वाले सरफेस पे लगाया, इस वाले पे। ठीक है, तो इसी के लिए नॉर्मल और इसी के लिए टेंजेंशियल निकालना है। तो नॉर्मल में आप देखिए कि जो फोर्स लग रहा है वो यही तो है 60 न्यूटन जो इस वाले सरफेस के क्या लग रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए 60 डिवाइडेड बाई इसका एरिया, ध्यान से देखो ये साइड 3 है, ये भी 3 है और ये 5 है, तो ये सामने वाला जो फेस है अगर आपको समझ में आया ये वाला, तो 5 और 3 एरिया कितना आ जाएगा 15, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, अब बात आती है टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में ये जो 80 न्यूटन है वो इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, इस सरफेस के कैसा लग रहा है पैरेलल, तो यहां पे हम लिखेंगे 80 और एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, तो 5 × 3 = 15, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 16/3 N·m², ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो अभी पूछ सकते हो या फिर ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये आपका पहला सवाल हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा सवाल और लेंगे उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास आपकी 40 मिनट की हुआ करेगी, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन जो होगी उसमें आधा घंटे पढ़ाया करूंगा, तो कल मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, ईएमआई भी पढ़ाऊंगा और आपको ये वाला टॉपिक इलास्टिसिटी जो चल रहा है वो आधा घंटे लास्ट का जो होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो आप दोनों कॉपी लेके आइएगा और कॉपी आप सेपरेट रखो तो ज्यादा अच्छा है, मैंने आज बताया भी था। ठीक है,
ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल ये रहा, ये एक रॉड है और रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। रॉड की जो लेंथ है ये 4 मीटर है। यहां से आगे से, आगे से इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, आगे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। आगे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे घर के लिए और कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 20 न्यूटन 4 मीटर लंबी रॉड है, ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 मीटर आपको बताना है आगे से 3 मीटर पर। फाइंड स्ट्रेस एट पी, पी पॉइंट पे बताना है। मैं आपको हिंट कर देता हूं, टाइम खत्म हो रहा है, नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन कराया था, रॉड वाला याद हो आपको, और रॉड में किसी डिस्टेंस पे टेंशन कैसे निकालते थे याद हो तो टेंशन निकालेंगे पी पॉइंट पे, डिवाइडेड बाई एरिया कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस ही पूछा है पी पॉइंट पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। बाकी कल करेंगे इसके आगे, कल कंटिन्यू करेंगे ऑफलाइन क्लास में, इसे कंटिन्यू करेंगे।